आई महंगाई के जमाना भला मतनी जम के कमा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। आपने बिहार की एक बिटिया का नाम सुना होगा, नेहा सिंह राठौर। उसने अपने गांव के गीत को गा करके सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं, अर्चना और वंदना, जो सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रही हैं। अभी हम सुनेंगे, वंदना जी हैं और अर्चना जी हैं, इन लोग से हम गीत सुनेंगे। पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है वंदना दुबे और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरा सादर प्रणाम वंदना दुबे का। और मैं अपना परिचय, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, सराय नसीब से। तो अभी क्या बताएं, क्या बात है। आपके गीत लगातार वायरल हो रहे हैं, ये कहाँ से आइडिया आया, फिर आपने वीडियो कैसे बनाया और आज सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही? आइडिया मुझे देखो, सबका देख के मेरे मन में ऐसा आया कि सब लोग गाना बनाती हैं, गाना गाती हैं, तो हमको भी बचपन से गाते हैं, बहुत सारे गीत आते हैं। अभी तो मेरा थोड़ा कम हो गया ना, तो पहले तो मैं इतना गाना गाती थी, बहुत गीत गाती थी। तो मेरे मन में ऐसा आया कि हम क्यों ना गाएं, हमारे मन में भी ऐसा चल रहा था कि हम भी गाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से सलाह ली, तो बोले कि गाओ, कोई बात नहीं है। तो हमने अपने चैनल चालू किया और गाना स्टार्ट किया, तो लोगों को बहुत सारा प्यार मिला। मुझे इतना उम्मीद नहीं था जितना लोग मुझे प्यार किए। आप एक गांव की बहू हैं, गांव की लड़की हैं, गांव की बेटी हैं, ऐसे में गांव के लोगों में कहीं कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल चीज़ें उनको कम आती है, तो आपने कैसे इन सब चीज़ों को संभाला? देखो, हम कुछ गलत कर नहीं रहे थे, हम एक जगह बैठ के गीत गा रहे थे, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई हमें बुरा कहे और कुछ गलत समझे। लेकिन कितना भी अच्छा करो, जो वैसे रहते हैं वो गलत बोल ही देते हैं। लेकिन हमें आज तक कोई अभी गलत कहा नहीं है और हम ऐसा काम भी नहीं करना चाहते हैं कि कोई मुझे गलत बोले और गलत कमेंट करे। आज तक मेरे पे कमेंट भी गलत नहीं आया, अच्छा कमेंट आता है, आप लोग कमेंट दे सकते हो, बहुत अच्छा कमेंट आता है, लोगों को बहुत प्यार मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहूँगा कि गीत की शुरुआत हो जाए जो महंगाई वाला है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा ये गीत इतना तेजी वायरल हुआ था, बहुत ही सावन कजर गीत था, तो कजर गीत ये मैं गा के मैं अपने मायके में आंवले के तर ये गाई थी, तो इतना तेजी से मेरा गया था, मुझे इतना उम्मीद नहीं था इस गाने का। मैं तो वैसे ही गा दी थी कि चलो ऐसे गाना है तो चलो गा के रख देते हैं, कभी डाल देंगे। और सावन में मैंने ये गीत डाला तो बहुत तेजी वायरल हुआ, जो कि है, आई महंगाई के जमाना भला मतनी जम के कमाना, आई महंगाई के जमाना भला मतनी जम के कमाना, सास तना मरी है ससुर तना मरी है, सास तना मरी है ससुर तना मरी है, नैहर में नाही ठेकाना भला मतनी जम के कमाना, नैहर में नाही ठेकाना भला मतनी जम के कमाना, आई महंगाई के जमाना भला मतनी जम के कमाना। ये गीत मेरा बहुत तेजी वायरल हुआ, पता नहीं क्या इसमें है, क्या बात है। मुझे तो लग रहा था इस गाने में कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। और एक लाचारी गीत भी था, वो भी बहुत तेज, ये लाचारी के सावन गीत, कजरी गीत था, वो भी बहुत तेज़ी से मेरा गया था। उस कजरी गीत में भी कुछ नहीं है समझो, तो हमारे हिसाब से, लेकिन लोग इतना प्यार दिए उस कजरी पे। और क्या बात, अच्छा लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि कहीं, अच्छा आपने दर्शकों को बता रखा है कि ये आप बहन हैं या लोग जानते होंगे देवरान जेठान है? बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपकी ये देवरानी लगती हैं कि जेठानी लगती हैं, ऐसा कमेंट आता था, तो मैंने बताया, तब वीडियो बनाना चालू किया, तो उसमें मैंने बताना चालू किया कि मेरी छोटी सिस्टर है वंदना, अर्चना तिवारी, और मैं वंदना दुबे।
अच्छा, आप लोग का जब वीडियो आता है दोनों लोग का साथ में आता है, तो फिर आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों लोगों की शादी हो चुकी है? मैंने जैसे करते हैं, जैसे मैं अपने ससुराल में आई हूँ तो इनको साथ में लेके आई हूँ साथ में लेके आई हूँ, और फिर जाएंगे गुजरात हम जाएंगे, उसके बाद ये मुंबई चली जाएंगी। जब तक साथ में रहते हैं तब तक वीडियो बनाते हैं, स्टोर कर लेती वीडियो, वीडियो बना के रख लेते हैं और तब तक डालते हैं, फिर जब कम होने लगता है फिर साथ में हो जाते हैं जब वीडियो कम होने लगता है फिर साथ में हो जाते हैं, क्योंकि लोग साथ में देखना चाहते हैं, लोगों को प्यार मतलब कमेंट करते हैं कि आप दोनों की साथ में गाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम दोनों साथ में गाना चाहते हैं, और दोनों को साथ का गाना बहुत तेज़ी मेरा जाता है। शुरू से भी देख लीजिए मेरा, जब इनके साथ मैंने गाया, पहले मैंने गुजरात में चालू किया, फिर उसके बाद आई यहाँ अपने गाँव में, तो ये गाँव में थी तब, ये गुजरात बम्बई नहीं गई थी, बम्बई से आ गई थी तो हम इनके साथ जब डाले तो इतना तेज, विवाह का गीत उस टाइम गर्मी था, मई का टाइम था और लगन चल रहा था, इतना तेज मेरा विवाह गीत गया कि कभी उम्मीद नहीं थी। क्या बात, विवाह गीत थोड़ा हो जाए। जी जी, विवाह गीत कई लोग शादी नहीं मजेगा मोरे पीछा वांगिया के पेड़ा लवंगा चुआई सारी रात, लवंगा कटाई बाबा पलंग सलाए बीचे बीचे उने वाला लड़ाई से ही पलंगे सो बात है।